देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शरद पवार बोले कि यूपी की सरकार बनी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जेडीयू ने नहीं जारी किया मैनिफेस्टो, कपिल सिब्बल ने कसा तंज। भारत ने किया निर्भया मिसाइल का परीक्षण, 1000 किलोमीटर दूर तक साध सकती है निशान। ममता बनर्जी का बयान, कहा चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की मदद ले रही है कांग्रेस। किसानों के लिए खुशखबरी, मौसम विभाग ने कहा कि इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद। जेट एयरवेज के पायलटों ने पीएम मोदी से 20,000 नौकरियां बचाने की लगाई गुहार। बिहार से कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने दिया इस्तीफा, कल निर्दलीय पार्टी भरेगा नाम। मोदी पर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा तुम टूट जाओगे लेकिन हिंदुस्तान नहीं टूटेगा। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा दूसरे चरण के चुनाव के लिए एक और बालाकोट बना रही बीजेपी। कांग्रेस ने हजारीबाग से गोपाल साहू को उतारा। हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।